मनमानी फीस वसूलने, सिलेबस से अलग पुस्तकें मंगवाने वाले निजी स्कूलों पर कलेक्टर सख्त। नमस्कार, मैं हूं रिया बिबलीवाल, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए पूरी खबर। मनमानी फीस वसूलने और सिलेबस से अलग पुस्तकें मंगवाने वाले एक भी निजी स्कूल के खिलाफ अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी है। कार्रवाई से बेखौफ निजी स्कूल संचालकों ने प्रशासन द्वारा दिए नोटिस का जवाब भी अब तक नहीं दिया है। सोमवार को साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में कलेक्टर अदिति गर्ग ने नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों पर सख्ती दिखाई है। साथ ही DEO को निजी स्कूलों पर की गई नोटिस की कार्यवाही के बाद आगामी दंडात्मक एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर गर्ग ने महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए ऐसे आंगनवाड़ी भवनों को चिन्हित करने के लिए कहा जो जर्जर है। आगामी 15 अगस्त के दिन जिले में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। इसके लिए महिला बाल विकास व अन्य सभी अधिकारी सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को चिन्हित कर सूची भेजेंगे। बैठक के दौरान 15 अगस्त की तैयारी के संबंध में समीक्षा की गई। कहा कि 15 अगस्त के दिन मुख्य कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को लाने व वापस घर छोड़ने का कार्य जिला शिक्षा अधिकारी पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। बच्चों का विशेष तौर पर ख्याल रखें। नगर पालिका CMO को निर्देश दिए कि कालाभाटा डैम के गेट खोलना और बंद करने के संबंध में सूचना पहले से प्रदान करें तथा प्रोटोकॉल का पालन करें। वन विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे स्थान जहां पर मगरमच्छ निकल कर आते हैं उन स्थानों को चिन्हित कर वहां तार फेंसिंग लगाएं और क्षेत्र के लोगों को भी जागरूक करें। खबरों की अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।